हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं साउथ इंडिया टूर पैकेज तैयार कर सस्ते में अपनी मनपसंद जगहों पर घूमने का प्लान बना सकेंगे। यात्रा के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वीडियो में हम दक्षिण भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी, मदुरई और तिरुवनंतपुरम की यात्रा के बारे में बताएंगे। आप स्वयं अपनी दक्षिण भारत यात्रा की प्लानिंग करिए, आइटनरी बनाइए और निकल पड़िए। यात्रा कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। यात्रा की शुरुआत तिरुवनंतपुरम से होगी। तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से रामेश्वरम, रामेश्वरम से मदुरई और मदुरई से तिरुपति। आवश्यक बातें: यात्रा करने के लिए अक्टूबर से फरवरी के मध्य के समय का चुनाव करें। इस समय दक्षिण भारत का मौसम घूमने के लिए अनुकूल रहता है। प्लानिंग के अनुसार सभी ट्रेन में कंफर्म रिजर्वेशन करवा लें। यात्रा की शुरुआत किसी भी महीने के रविवार से करें। रविवार के दिन से शुरुआत करने पर आप एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए चलने वाली ट्रेन अरेंज कर पाएंगे। यात्रा कुल 8 दिनों की होगी। इसमें आपके शहर से आने व जाने के दिन और जोड़ लीजिए। निर्धारित शहरों में से यदि किसी शहर को छोड़ना चाहते हैं तो यात्रा के दिन कम हो सकते हैं। तो चलिए यात्रा की शुरुआत तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम से करते हैं। आपके शहर से आपको सबसे पहले किसी भी महीने के रविवार को त्रिवेंद्रम पहुंचना होगा। त्रिवेंद्रम कैसे पहुंचे? त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट अन्य सभी मुख्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी शहर से यहाँ पहुँच जाएँ, त्रिवेंद्रम में अपने गंतव्य तक जाने के लिए आप हवाई अड्डे से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। सड़क मार्ग: त्रिवेंद्रम शहर नियमित बस सेवाओं द्वारा सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बस स्टेशन रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में स्थित है। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC की बसें त्रिवेंद्रम को दक्षिण तमिलनाडु और केरल के सभी हिस्सों से जोड़ती है। सभी प्रमुख शहरों जैसे कोझिकोड, मदुरई, चेन्नई, कोची, बेंगलोर और कोयम्बटूर से यहाँ के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी या टैक्सी से भी पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग: तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम में सबसे बड़ा और मुख्य रेलवे स्टेशन त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों को जोड़ने वाली कई ट्रेनें दिन भर उपलब्ध रहती है। त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन दक्षिण भारत में तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। आप देश के किसी भी प्रमुख रेलवे स्टेशन से त्रिवेंद्रम के लिए निकल सकते हैं। तिरुवनंतपुरम में आपको एक नाइट रुकना होगा। यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक सभी तरह के लॉज, होटल या रिसोर्ट उपलब्ध हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार त्रिवेंद्रम के किसी भी होटल को बुक कर सकते हैं। रुकने के लिए कोवलम बीच सबसे अच्छी जगह है। यहाँ नॉन एसी रूम का किराया ऑफ सीजन में 500 रुपये और सीजन में 1000 से 1200 रुपये के आसपास होता है। एसी रूम एकोमोडेशन के हिसाब से 1000 से 5000 रुपये तक में मिल जाता है। रविवार के दिन रुकने के लिए रूम की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग पहले से करा लीजिए। त्रिवेंद्रम में दर्शनीय स्थल: त्रिवेंद्रम में आप सबसे पहले पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाइए और भगवान के दर्शन कीजिए। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर सोने की परत चढ़ी हुई है। यह 108 दिव्य देशमों में से एक है जो वैष्णववाद के धर्म में पूजा के प्रमुख केंद्र हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु के पवित्र निवास है। इस मंदिर में भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है। त्रिवेंद्रम में प्राणी संग्रहालय और नेपियर संग्रहालय भी देखे जा सकते हैं। संध्या समय आप कोवलम बीच और शानगुमुखम बीच भी घूम सकते हैं। यदि समय और मिलता है तो आप टैक्सी से 27 किलोमीटर दूर पुवर आइलैंड जाकर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। सोमवार के दिन ही आपको तिरुवनंतपुरम से ट्रेन द्वारा कन्याकुमारी जाना है। यूं तो कन्याकुमारी के लिए काफ़ी ट्रेन्स हैं, लेकिन कन्याकुमारी एक्सप्रेस प्रतिदिन दोपहर 12:10 पर चलती है और दोपहर बाद 3 बजे कन्याकुमारी पहुँच जाती है। किराया 145 रुपये से शुरू है। आप अवेलेबिलिटी के हिसाब से रिजर्वेशन करा सकते हैं। कन्याकुमारी: कन्याकुमारी में भी आपको एक दिन रुकना है।
रुकने के लिए स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के भक्त निवास सबसे उचित स्थान है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में रूम 400 रुपये में और डोरमेट्री बेड 100 रुपये में मिल जाता है। आपको पहले से ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल की वेबसाइट www.vrmvk.org पर जाकर ऑनलाइन रूम बुक कराना पड़ेगा। आप अपनी सुविधा अनुसार प्राइवेट होटल भी बुक करा सकते हैं। आप सोमवार को दोपहर 3 बजे बाद कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। होटल में चेक इन करके घूमने निकल जाइए और शाम को सी बीच पर सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए पहुंच जाइए। सूर्यास्त देखने के बाद कन्याकुमारी माता मंदिर में दर्शन करें। अगले दिन मंगलवार को सुबह भी आप यहाँ सी बीच पर सूर्योदय का आनंद लीजिए। फिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर स्टेचू देखिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए बोट का साधारण टिकट 50 रुपये और स्पेशल टिकट 200 रुपये का है। टाइमिंग है प्रातः 8 बजे से साय 4 बजे तक। आप पास ही में स्थित गांधी म्यूजियम भी देख सकते हैं। कन्याकुमारी घूमने की संपूर्ण जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देखें। मंगलवार की रात को ट्रेन के माध्यम से आपको कन्याकुमारी से रामेश्वरम जाना है। ये ट्रेन रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को रात 10 बजे चलती है और रामेश्वरम में सुबह 5:30 पर पहुंचती है। किराया 280 रुपये से स्टार्ट है। रामेश्वरम में हमें 2 दिन बुधवार और गुरुवार के लिए ठहरना है। रामेश्वरम मंदिर परिसर के पास ही बहुत सारी प्राइवेट होटल्स और धर्मशालाएं हैं जिनमें आप एडवांस में ऑनलाइन रूम बुक करा सकते हैं। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर की वेबसाइट www.rameswaramtemple.in पर जाकर भी कमरे की उपलब्धता देख सकते हैं। यहाँ डबल बेडरूम 500 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। आप बुधवार को सुबह 5:30 बजे रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। आपको रूम में चेक इन करके सबसे पहले अग्नि तीर्थ समुद्र तट पर स्नान करना है। फिर गीले कपड़ों में ही श्री रामनाथ स्वामी मंदिर परिसर के अंदर स्थित 22 तीर्थ में स्नान करना है। स्नान के बाद रामेश्वर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करें। मंदिर परिसर के अंदर स्थित अंबिका माता मंदिर, पार्वती माता मंदिर, हनुमान मंदिर, विशालाक्षी मंदिर और 9 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कीजिए। बुधवार को ही आप रामेश्वरम मंदिर के साथ साथ साक्षी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, अब्दुल कलाम स्मारक व विलुंदी तीर्थ भी घूम लें। गुरुवार के दिन गंधमाधन पर्वतम, धनुषकोडी, सागर संगम, जाड़ा तीर्थम, विभीषण मंदिर और राम सेतु के दर्शन करें। रामेश्वरम और धनुषकोटी घूमने की संपूर्ण जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देखें। आपको शुक्रवार को सुबह बस या ट्रेन से रामेश्वरम से मदुरई के लिए प्रस्थान करना है। ट्रेन सुबह 10:30 बजे चलती है और 15:15 बजे मदुरई पहुँचती है। किराया 85 रुपये से शुरू है। मदुरई, आपको मदुरई में रात को रुकने की आवश्यकता नहीं है। जितना जल्दी मदुरई पहुंचेंगे उतना अधिक समय मदुरई में मिलेगा। मदुरई में विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी देवी मंदिर में दर्शन के साथ ही कुंडल अलवर मंदिर, गांधी स्मारक और तिरुमलई नायक महल का भी भ्रमण करना है। अगर मीनाक्षी मंदिर में भीड़ ज़्यादा है और दर्शनों की लंबी लाइन हो तो आप स्पेशल टिकट लेकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं ताकि समय की बचत हो सके। आपको मदुरई घूमने के बाद शुक्रवार की रात को ट्रेन के माध्यम से मदुरई से तिरुपति के लिए प्रस्थान करना है। जो ट्रेन सायंकाल या रात्रि में चलकर सवेरे तिरुपति पहुंचती हो उसमें पहले से ही रिजर्वेशन करवा लें। तिरुपति, आप सुबह 9 बजे तक तिरुपति पहुंच जाएंगे। आपको तिरुपति में 1 दिन रुकना है। तिरुपति में रुकने के लिए कई होटल और धर्मशालाएँ हैं पर तिरुपति देवस्थान का भक्त निवास अधिक उचित स्थान है। भक्त निवास के रूम का किराया नॉन एसी 500 रुपये और एसी 1000 रुपये है। शनिवार के दिन के लिए तिरुपति मंदिर की 300 रुपये की स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट और 1 दिन
यानी शनिवार को रूम बुकिंग की एडवांस बुकिंग पहले से करके रखें। बुकिंग के लिए www.tirumala.org पर विजिट करें। शनिवार को तिरुमला पहाड़ी पर श्री बालाजी भगवान का दर्शन करें। आप बस, जीप या टैक्सी से पहाड़ी के ऊपर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रविवार के दिन पद्मावती देवी, श्री गोविंद राजा स्वामी मंदिर, कोदंडाराम स्वामी मंदिर और कपिल तीर्थ के दर्शन करें। रविवार के दिन आपकी तिरुपति यात्रा का समापन होगा। रविवार को तिरुपति से आपके शहर जाने वाली ट्रेन का रिजर्वेशन पहले से करके रखें और सकुशल अपने गंतव्य तक पहुँच जाएँ। यात्रा पर कितना खर्चा आएगा, आइए अब जान लेते हैं कि 7 नाइट और 8 डेज के इस साउथ इंडिया टूर पैकेज पर कुल खर्चा कितना आएगा। तो हम आपको बता दें कि सामान्यतया इस यात्रा पर लगभग 20 से 25,000 रुपये तक खर्च होने की संभावना है। इसमें रहना, खाना, घूमना फिरना, किराया भाड़ा आदि सब शामिल है। आपके शहर से तिरुवनंतपुरम तक आना और मदुरई से वापस आपके शहर तक जाना इसमें शामिल नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।